सुप्रभात क्लास एट। पाठिक जो जयगान कविता है ये कोई बहुत लंबी कविता नहीं है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ये देश के प्रसिद्धि को लेकर के, देश के गौरव को लेकर के एक छोटा सा उनका प्रयास, जिसमें उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भारत विश्व गुरु रहा। आज हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने उस रूप को पहचाने, और उसके लिए हमें आत्मगौरव की आवश्यकता है। जब हम इस बात का बोध करेंगे, हमारे अंदर इस बात का बोध होगा, हमारे अंदर इस बात का गौरव होगा कि हमारा देश विश्व गुरु रहा था, तब निश्चित रूप से हम ये महसूस कर पाएंगे कि हमें किसी और से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने देश के जयगान करने की बात कही। प्रारंभ की कविता बताए थे आप लोगों को, आगे है कि देश गौरव मान हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। पीछे से थोड़ा सा लेते हुए बता रहे हैं, पोत दल सत सत तरेंगे पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित तो होगा देश गौरव मान। यानी हमारा जो देश है या अपना जो देश है भारत, इसने पश्चिम के देशों को भी ज्ञान दिया है। पश्चिम के देश इससे ज्ञान लेते रहे और ये पूरी गर्जना के साथ, गर्जना यानी जब बिजली कौंधती है या जब गर्जन होता है तो उसको हम एक पर्याय के रूप में ये मानते हैं। जहां भी साहित्यकारों ने इस गर्जना की बात की है तो वो गर्जना होती है साहित्य में कि हम अपने भाव को बहुत मुखर शब्द के साथ किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। गर्जना में ध्वनित तो होगा देश गौरव गान, यानी हम सामान्य शब्दों में नहीं बल्कि पूरी गर्जना के साथ, पूरे जोश के साथ हमारी जो ध्वनि होगी देश के गौरव गान के, वो पूरे जोश के साथ, पूरी ध्वनि के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यस का गा, यानी हमारे देश की जो ख्याति है उसका हम गान करेंगे। बने विद्या भवन शोभन देव मंदिर से सुपावन। यहां देखिए, विद्यालय के लिए उन्होंने एक बहुत ही पवित्र स्थान का वर्णन किया है। यूं भी आप अपने विद्यालय के विषय में यदि सोचें तो नाम ही दिया गया है मंदिर, शिशु मंदिर, यानी वहां किसी ईश्वर का मंदिर की बात नहीं की गई है। जहां विद्यालय है वहां सरस्वती का बात होता ही है, लेकिन जो नाम में आप शब्द देखिए लिखा हुआ है शिशु मंदिर, सरस्वती तो शब्द है, सरस्वती विद्यालय के साथ जुड़ता है, यानी वहां आप जब बालक के या बालिका के रूप में आते हैं तो आप वहां देव तुल्य होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये बताने का प्रयास है कवि के द्वारा कि बने विद्या भवन शोभन, इससे प्रश्न भी है कि विद्यालय की उपमा उन्होंने किससे दी है। तो विद्यालय की शोभा को बताते हुए वो कहते हैं कि मंदिर से भी सुपावन है। पावन शब्द में भी सु उपसर्ग जोड़ दिया गया है कि मंदिर से भी पवित्र विद्यालय को कवि ने बताने का प्रयास किया। हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, अर्थात अपना जो भारत है उसका ज्ञान सबसे वृद्ध यानी सबसे पुराना है, वो विश्व गुरु के रूप में रहा है। इसलिए कवि फिर से कहते हैं कि हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यस का गान, हमारे द्वारा भारत देश का जयगान किया जाएगा। इसके यश को बताया जाएगा कि भारत कभी विश्व गुरु रहा था, और ऐसे में यदि हम अपने देश की गाथा को, देश की ख्याति को, देश की प्रसिद्धि को बताने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे अंदर हमारे आत्मगौरव को जगाएगा कि किस प्रकार हिमालय की चोटियां हमारे देश के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, किस प्रकार सागर इसके चरणों को छू करके, यानी वहां भी ये वंदनीय है, किस प्रकार से भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है, विश्व को ज्ञान देने का काम उसने किया है,
और अंत में उसने उन्होंने विद्यालय को मंदिर से भी पावन बनाते हुए कहा है कि भारत का ज्ञान जो है वो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है, भारत विश्व गुरु के रूप में रहा है। इस प्रकार से ये कविता, छोटी सी कविता है, खड़ी हिंदी की कविता है, इसमें कहीं भी कुछ भी समझने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक बार यदि अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, शब्दार्थ मैंने पहले बता दिया था, तो उससे आपको कहीं भी कोई असुविधा नहीं होगी। और इसके पूरी कविता से सारांश रूप में आप इसका अर्थ लिखेंगे, एक एक लाइन का नहीं, पूरी कविता का सार निकल के क्या आता है ये आप उसका अर्थ लिखने का प्रयास करेंगे।